हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज आप लोगों के साथ मैं मेकअप रिमूवर के बारे में बात करने वाली हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे फेस पे ढेर सारा मेकअप लगा हुआ है इस टाइम, और मैं अपना मेकअप रिमूव करके भी दिखाऊंगी और बिल्कुल नेचुरल चीज़ से दिखाऊंगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे आप मेकअप निकाल सकते हैं, मैंने सारी चीज़ें ट्राई की और उसमें से जो बेस्ट लगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और बाजार में भी बहुत अच्छे अच्छे मेकअप रिमूवर आते हैं, बट वो महंगे भी होते हैं, प्लस उसमें केमिकल बहुत ज़्यादा होता है। एक तो मेकअप हमारा फुल ऑफ केमिकल, फिर हमने यूज़ किया मेकअप रिमूवर वो भी केमिकल, तो जो हमारी स्किन है ना उसकी पूरी बैंड बच जाती है। तो अगर आप कहीं ट्रेवल के दौरान है या आपके पास वो चीज़ें, मतलब किचन नहीं है, वो चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने पास रखिए। जैसा कि मेरे पास भी देखिए दोनों ही है, गार्नियर के दोनों, ऑयल इन्फ्यूज और नॉर्मल दोनों ही मेरे पास मेकअप रिमूवर। बट कोशिश करिए कि इसको भी ना लगाएं, आप मेकअप करें लेकिन उसको इस तरीके से रिमूव करें कि आपकी मेकअप लगाने के बाद आपकी स्किन जो है, रिमूव करने के बाद आपकी स्किन और भी ग्लोइंग हो जाए। सो ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आप अपना मेकअप उतारते हैं और आपका चेहरा दिन प्रतिदिन और निखर के आता है, तो यहाँ पर हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। और ये पूरी मैंने एक रिसर्च की और उसके बाद जो रिजल्ट बेस्ट लगा वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एक मिनट का टाइम दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बिल्कुल फ्री है, वीडियो बहुत अच्छी है, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, अगर पसंद आए तो शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, सबसे पहले मैंने गार्नियर के दोनों दिखा दिए आपको, दोनों ही मेरे पास है। जैसा मेरा मेकअप होता है, अगर बहुत ज़्यादा वाटरप्रूफ मेकअप मैं करती हूँ तो मैं ऑयल इन्फ्यूज़ यूज़ करती हूँ, पीला वाला, और अगर बहुत माइल्ड सा मेकअप है और मैं ट्रैवल में हूँ तो मैं पिंक वाला यूज़ करती हूँ। लेकिन रेदर देन दैट मैं दूसरी कौन सी चीज़ यूज़ करती हूँ उस बारे में मैं बात करूँगी आप लोगों के साथ। तो मैं जब भी घर पर होती हूँ, कहीं यात्रा पे नहीं होती हूँ, तो मैं बिल्कुल भी ये दोनों नहीं यूज़ करती हूँ। मैं यूज़ करती हूँ क्या, वो मैं आपके साथ अब शेयर करने जा रही हूँ, और ये आप यूज़ करके देखिएगा, आपकी स्किन जब आप सुबह उठेंगे बहुत ग्लोइंग हो जाएगी, और आप मुझे ज़रूर थैंक यू बोलेंगे कि आपने क्या चीज़ बताई है। और मेकअप आपका कोई भी मेकअप हो, वाटरप्रूफ कैसा भी मेकअप, डेफिनेटली उतर जाएगा, और जिससे जो मेरी स्किन दिन प्रतिदिन और ग्लोइंग हो रही है और आप लोगों की भी होगी, और ये बेस्ट मेकअप रिमूवर मेरे हिसाब से इसी को होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दूसरा एक आपके पास ऑप्शन है, आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल प्योर पतंजलि का ले लीजिए, या एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल ले लीजिए, या ये भी ले सकते हैं डाबर का, ठीक है। तो कोकोनट ऑयल क्या होता है, ठंड के टाइम जम जाता है और मुश्किल होती है, तो इसको हम अगर घर पे हैं, गर्मियाँ हैं, तो आप आराम से ले लीजिए, बट ठंड में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो ये भी बहुत अच्छे से मेकअप निकाल देता है और स्किन भी सॉफ्ट रहती है, तो आप ये ले सकते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर हम लाते हैं प्योर बादाम तेल, रोगन बादाम तेल, ठीक है। ये बहुत अच्छे से, ये देखिए इसमें ठंडे में जमने वाली प्रॉब्लम भी नहीं है, और ये मेकअप जो है बहुत अच्छे से रिमूव करता है, बट ये थोड़ा सा महंगा होता है, तो कुछ लोगों के लिए ये प्रॉब्लम हो सकता है कि ये महंगा है। नारियल का तेल बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन इन सबसे सस्ता और जो सबके पास है वो क्या चीज़ है, उससे हम अपना मेकअप जो है निकालेंगे, और वो है ये, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ये देखिए, ये है दूध, ठीक है। कच्चा दूध मिल जाए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कच्चा दूध नहीं है तो भी पक्का दूध है, कैसा भी दूध है, टोन्ड मिल्क है, फुल फैट, कोई भी मिल्क ले लीजिए आप, दूध होना चाहिए आपके पास, ठीक है। दूध है ये, ठंडा दूध है। और अगर बहुत ज़्यादा वैसा मेकअप है आपका ना कि बिल्कुल जिद्दी, तो हल्का सा गुनगुना दूध लेके करके देखिएगा, एकदम साफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूध है और ये मेरा मेकअप है, आप देख सकते हैं, और मैं अपना मेकअप इसी से उतारूंगी, और इसके बाद आपको फेस वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस सादे पानी से, गुनगुने पानी से मुंह धुल के सो जाइए, आपकी स्किन पे अपने आप एक मॉइस्चराइजर लग जाएगा, क्योंकि जो दूध है वो हमारे फेस को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी दूर करता है, ब्राइटन करता है, और डार्क स्पॉट, अंडर आइज, इतनी सारे फ़ायदे हमारे दूध में जो भी चीज़ें हमारे स्किन को मिलती है। तो ये बहुत अच्छा नेचुरल, बिना किसी केमिकल का, बहुत सस्ता सा, इतना सा दूध लगेगा एक चम्मच, उससे भी कम, तो आपका हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये मैंने ले लिया है, और इस तरीके से इसको हम डिप करेंगे और एक्स्ट्रा दूध निकाल देंगे, और इससे आप करेंगे ना तो आपकी स्किन बहुत स्मूथ, आप दूसरे दिन जब सो के उठेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। चलिए पहले आइस का निकालते हैं। तो मेरा जो मेकअप है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का है, ये सब लॉन्ग लास्टिंग मेकअप है, और देखिए मुश्किल हो रही है निकालने में, बट हाँ निकल जाएगा, इतना निकला है अभी। थोड़ा देर, अगर ज़्यादा मुश्किल हो तो थोड़ी देर आप इसको रख दीजिए दूध के साथ, देखिए निकल रहा, बहुत ज़्यादा रब करने की ज़रूरत नहीं है,
और अगर आपका फिर भी मतलब दूध से लग रहा आपका नहीं निकला, तो आप थोड़ा सा इसमें बादाम का तेल ले लीजिए इसी पे, मतलब दूध के साथ थोड़ा बादाम का तेल इस पे कॉटन डाल के और फिर निकालिए, पर ये निकल जाएगा बहुत आसानी से। देखिए ये वाला है, फिर इसको डिप करते हैं अंदर, और दूध के मेकअप के साथ साथ आपकी जो स्किन की गंदगी है वो भी निकलेगी साथ ही साथ। ये देखिए बहुत सारा था मेरी आंखों पे मेकअप, और स्किन ना आंखें बिल्कुल ठंडी ठंडी हो रही है, तो बहुत अच्छा होता है ये। और आप देख सकते हैं कितनी इम्प्यूरिटीज निकल रही हैं। सो आप बिल्कुल, आप अगर ट्रेवल में ना हो तो मैं तो यही सजेशन दूंगी कि आप बस और दूध से ही अपना मेकअप रिमूव किया करिए, स्किन चमक उठेगी। ये देखिए कौन सा मेकअप रिमूवर इतना अच्छे से, मतलब साथ ही साथ आपको अब देखने से लग रहा है कि कितना काला काला सा स्किन की जो गंदगी है वो सब भी बाहर आ रही है इसके साथ साथ। बिल्कुल बेबी सॉफ्ट स्किन हो जाएगी। बस इसके बाद मैं सादे पानी से ही अपना मुंह धोऊंगी, फेस वॉश नहीं करूंगी मैं। आप चाहें तो फेस वॉश भी लगा सकते हैं आपके ऊपर, अगर आपको दूध की महक आती है तो आप फेस वॉश कर लीजिए, बट मैं नहीं करती हूँ। हल्के गर्म पानी से बस धो लीजिए, हल्का सा गुनगुना पानी लीजिए और धो लीजिए। लिप्स पूरा देखे निकाल दिया। और यहाँ पे एक टिप मैं और दूंगी, तो इसको देखते रहिए एंड तक, एक बहुत इम्पोर्टेंट आप लोगों के साथ मैं बात यहाँ पे शेयर करूँगी आगे। तो ये देखिए और जो मेकअप रिमूवर बाजार में आते हैं ना, उसमें इतने केमिकल होते हैं कि अगर आपकी गलती से आंखों में चला जाए या कुछ हो जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, आप अंधे भी हो सकते हैं। बट ऐसा नहीं है दूध के साथ, ऐसा नहीं है, आपकी आंखें बल्कि और ठंडी हो रही हैं और अच्छा है। प्लस इसमें कोई केमिकल नहीं, आपको पता है कि आपके सामने की चीज़ है, तो आप जो केमिकल वाले मेकअप रिमूवर है उससे बचिए और पैसे भी अपने बचाइए। 2 रुपये में आपका, 2 से भी कम, दूध तो सबके आते, थोड़ा सा दूध लगना है, फ्री में आपका पूरा मेकअप जो है रिमूव हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने जो है अपना मेकअप रिमूव कर लिया है अच्छे से, और मैं आपको ये दिखाती हूँ इसका हाल। देखिए ये और ये बैक साइड, तो जो भी मेकअप था मेरा अच्छे से निकल चुका है। आईज पे जो है मेरे थोड़ा थोड़ा मेकअप है, ठीक है, तो बिल्कुल जरा जरा सा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि जो मेरे पास ये वाला बादाम का तेल है, क्योंकि मैंने ये बहुत अच्छे क्वालिटी का, मैंने फेसेस कैनेडा का यूज़ किया था, तो वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। अगर आप उसको रगड़ के, मतलब ये जो ये तगड़ा वाला आता है ना येलो वाला, इससे ही वो निकलता है। तो कई बार होता है ये और एक इंक लिपस्टिक आती है, वो जो है दूध से निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बाकी सारा मेकअप उतर जाता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये बादाम का तेल ले लें और उससे निकाल लें। तो मैं लगा के निकाल के आपको दिखाती हूँ, पूरी तरह से निकल जाएगा, और साथ ही साथ आपके जो है आंखों के नीचे के जो काले घेरे हैं ना वो भी निकल जाएंगे, क्योंकि बादाम का तेल आप लगा रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो है करेंगे तो आंखों के नीचे जो आपके काले घेरे हैं और ये सभी चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। बहुत हैवी मेकअप था मेरी आंखों पे और पूरा निकल गया था दूध से, और थोड़ा सा जो रह गया था वो इसमें निकाल दिया है तेल ने। ये देखिए पूरी तरीके से निकल गया है। सो देखिए मेरा पूरा, और ये जो मैंने दूध लगा के रखा है ना यहाँ पे, जो मैं टिप बता रही थी वो यही है कि दूध आपने अच्छे से फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। उसके बाद क्या करिए ना, जो दूध लगा उसको कम से कम कोशिश करिए 2 मिनट 3 मिनट और मैक्सिमम 5 मिनट उसको रख लीजिए। 5 मिनट रख के देखिए, और नहीं 5 मिनट तो 2 मिनट रख लीजिए कि दूध आपका अच्छे से ड्राई हो जाए फेस पे। फिर जाके आप सादे पानी से फेस वॉश मत यूज़ करिएगा, क्योंकि जो दूध की प्रॉपर्टीज है पूरी नष्ट हो जाएंगी। सादे पानी से अपना मुँह धो लीजिए बस,
उसके बाद आप सो जाइए, एलोवेरा जेल लगा लीजिए, कोई नाइट क्रीम लगा लीजिए, सीरम लगा लीजिए, जो आपको पसंद है वो फेस पे अप्लाई करके सो जाइए। दिन प्रतिदिन मेकअप के बाद भी आपकी स्किन, मतलब मेकअप करने के बाद आपकी स्किन और खूबसूरत होने लगेगी, जबकि मेकअप करने के बाद स्किन ख़राब हो जाती है। तो ये जो एक तो मेकअप की जितनी भी खराबी थी सारा दूध अपने साथ लेके चला जाएगा और आपकी स्किन बिल्कुल फ्लॉलेस हो जाएगी, दाग धब्बे सारे निकल जाएंगे और एक आपका स्किन केयर भी हो जाएगा, एक अच्छी सी जो दूध की प्रॉपर्टीज है वो भी स्किन एब्जॉर्ब करेगी। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा और यही है मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए। मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।